फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र। आज हम आपको बताएंगे हाइड्रोसिफेलस के बारे में। एक आपने सुना होगा हाइड्रोसील और दूसरा होता है हाइड्रोसिफेलस, तो इसमें भी आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हाइड्रोसिफेलस का मतलब होता है कि आपके सर में एक्स्ट्रा पानी भर जाना या फिर एक्सेस अमाउंट में पानी का स्टोरेज हो जाता है आपके हेड में, इसको हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। हाइड्रोसील जो होता है ये आपके टेस्टिस में एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन टेस्टिस इज कॉल्ड हाइड्रोसील। तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएशन है। हाइड्रोसिफेलस का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी और सिफेलस का मतलब होता है सेफलॉन, मतलब कि ये आपके हेड ब्रेन से रिलेटेड शब्द है। इसलिए ये हाइड्रोसिफेलस जब आए तो आप समझ जाइए कि ब्रेन में एक्सेस मात्रा में पानी हो गया। आप ये पानी होता है क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है, जिसको शॉर्ट में CSF बोलते हैं, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड CSF। तो हमारा जो ब्रेन होता है इसका जो आउटर कवरिंग होती है वो तीन भागों में डिवाइड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और पायामीटर। ठीक है फ्रेंड, तो बाकी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है तो उस पर हम नहीं आते हैं। हम आपको सिंपल ये बताएंगे हाइड्रोसिफेलस कैसे होता है, क्यों होता है। तो हाइड्रोसिफेलस जो होता है एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन ब्रेन, तो ये होता क्यों है। जैसे हमारा जो CSF होता है वो हमारे ब्रेन में बनता रहता और फिर एब्जॉर्ब होता रहता है ब्लड के थ्रू, तो ये कंटिन्यू प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस है। अब हमारा जो हेड होता है, सर होता है, ये भी गर्म हो जाता है क्योंकि एक मिनट में न जाने कितने बार कहाँ कहाँ क्या चीज़ सोचता रहता है। जैसे हमारा लैपटॉप हीट हो जाता है या फिर कोई गाड़ी का इंजन हीट हो जाता है, तो उसको गाड़ी का इंजन अगर हीट होता है तो उसको कूल करने के लिए उसमें कूलेंट होता है। तो उसी प्रकार हमारा जब हेड होता है, सर होता है, जब ये हीट होता है तो इसमें भी ये जो CSF होता है ये कूलेंट का काम करता है। तो 24 घंटे में जो हमारा माइंड होता है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं या हेड कहते हैं, ये तीन बार इसको इसकी मतलब कह सकते हैं कूलिंग के लिए इसकी धुलाई होती है। पूरे ब्रेन को CSF तीन बार पूरा धुलता है ताकि हमारा ब्रेन कूल रहे। अगर ये ना प्रक्रिया हो तो ब्रेन भी हीट हो जाएगा, फिर जिससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो CSF का बहुत ही अच्छा रोल है। इसका कंपोजिशन क्या होता है सब कुछ मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी हाइड्रोसिफेलस के बारे में बताते हैं। ये हाइड्रोसिफेलस होता कैसे है, क्यों होता है, इसका कॉज क्या है। तो हाइड्रोसिफेलस का जो काज है वो ये है कि जब हमारे ब्रेन में जितनी अमाउंट में CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड निकलता है और वो एब्जॉर्ब उतना हो जाना चाहिए जितना अननेसेसरी है, तो बट नहीं हो पाता है, तो इसमें असंतुलन फैल जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मतलब एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन में इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। फिर ये हमारे ब्रेन में इकट्ठा होने लगता है, वेंटिकल्स होते हैं भी और भी स्पेस होते हैं, वो बढ़ता जाता है। और इसे फिगर के माध्यम मैंने आपको दिखाया कि हाइड्रोसिफेलस का ये पेशेंट है, तो जब एक्सेस मात्रा में जब स्टोर होगा तो ब्रेन की साइज बढ़ जाती है। ये जनरली बच्चों में, अडल्ट में भी हो सकता और बुज़ुर्गों में भी होता। जब ये हाइड्रोसिफेलस में पानी ज़्यादा मात्रा में भर जाता है, जिसको CSF बोलते हैं, तो अब करेंगे क्या। जब अंदर का साइज इंक्रीज होगा तो जो हमारी नर्व्स वेन हैं, जिससे रिलेटेड CNS हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसमें आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो दबने लगती हैं, कंप्रेस होने लगती हैं। आपका सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, तो जब वो कंप्रेस होने लगता है तो हमारा ब्रेन काम करना कम कर देता है। मीन्स हमारे जो मसल्स को कोऑर्डिनेशन है, जो हम चलते फिरते हैं तो हमें एक कोऑर्डिनेशन मतलब तरीके से चलते हैं, लेकिन वो जब डिस्टर्ब हो जाता है, जब वो सप्रेस होने लगता है सेरिब्रम सेरिबेलम, तो मुझे चलने फिरने में, अभी किसी भी पेशेंट को चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये इसका निदान जो है उसको करा लेना चाहिए जल्द जल्द। इसमें भी अब इसके कुछ लक्षण आते हैं, उस लक्षण को हम आपको बताएंगे कि क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे मसल्स कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाएगा, चलने फिरने मूवमेंट गड़बड़ हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिज़ायर ऑफ फूड, डिज़ायर ऑफ एनीथिंग, ये सब प्रॉब्लम आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम होगी, और भी बहुत सारी न्यूरोजेनिक डिजीज़ हो सकती है या फिर न्यूरॉन से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कोई अंग लकवा मार सकता है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं हाइड्रोसिफेलस के। मतलब ये मेन फीचर हैं। इसके बाद में इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे कराएंगे, आपका MRI करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं,
यानी NCT करा सकते हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सर में प्रॉब्लम क्या है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, बाकी वैसे पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी हमको इसका ट्रीटमेंट भी बताना है, तो शॉर्ट में सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम इसका होम्योपैथिक उपचार के बारे में सोचते हैं कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इसकी सिंगल एक मेडिसिन है और भी मेडिसिन, लेकिन सबसे बेटर मेडिसिन जो है वो है आपकी एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका क्या है? एपिस मेलिफिका जो मधुमक्खी होती है उससे बनाई हुई ये दवा होती है, उसी को एपिस मेलिफिका बोलते हैं। इसकी 200 पोटेंसी आप ले लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 15-20 दिन तक लेते रहिए। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होती रहे उसको एक टाइम कर लीजिए, उसके बाद भी नहीं ठीक होता तो 1 mg पोटेंसी यूज़ करिए, और बाकी इसके बाद भी नहीं ठीक होता तो अपनी नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको इसके बारे में बता देगा कि, या फिर हो सकता है कि वो आपकी टोटलिटी लें तो जो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी ला उसके हिसाब से मेडिसिन बदल भी सकती है, तो आप उससे भी उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अपना सारा सिम्टम हमारे चैनल पे डाल दीजिए या हमारे यूट्यूब पे डाल दीजिए, और या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे डाल दीजिए। मैं आपको उसका हो जितना भी हो सकता है हर संभव निदान करने का प्रयास करेंगे और बेस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में और भी आपको कोई क्वेरी है तो आप वो मुझसे ले सकते हैं, और इस बहुत ज़्यादा बताएंगे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बोर हो जाएंगे। तो जो मैंने मेडिसिन बताया वो डिस्प्ले पे भी शो होगी, आप उसे देख सकते हैं, किसी भी नियरेस्ट मेडिकल होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से जाकर ले सकते हैं। एपिस मेलिफिका 200 पोटेंसी की मेडिसिन है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना है। जैसे जैसे ठीक हो जाए कम कर दिए, अगर नहीं ठीक भी आराम मिल रहा है तो आप उसकी 1 mg में डोज बढ़ा दीजिए, 1 mg की ले लीजिए, और फिर वो भी 15-20 दिन तक खाइए, जब ठीक होने लगे तो कम कर दीजिए। इसके साथ में आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा सा खाने पीने में मैनेज कर लीजिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल ग्रीन फ्रूट खाइए और तली भुनी चीज़ें और जंक्स फूड ये सब बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि इससे भी दिक्कत हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब वो लोग करेंगे जो लोग नए हैं, जो एक बार कर चुके हैं सब्सक्राइब वो प्लीज़ सब्सक्राइब ना करें, और जो भी ऑडियंस नए हैं वो लोग ही सब्सक्राइब करेंगे, और बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।